सोनीपत के खरखोदा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की और बीजेपी पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की हवा बदल चुकी है और इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने प्रदेश को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाकर खुशहाल प्रदेश बनाने की बात भी कही। फतेहाबाद, नारनौंद, रतिया, अब यहाँ खरखोदा और ऐसे हो गया, पूरा इलाका घूम गया है। और जो समर्थन मिल रहा है, प्रत्यक्ष और प्रमाण की जरूरत नहीं, आप यहाँ से देख लो, हर जगह ऐसा ही समर्थन मिला है। इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस सरकार बनाना जा रही है, बहुमत कांग्रेस का है। बीजेपी का वायदा था हरियाणा में, 154 वायदे किए थे हर वर्ग के लिए, एक भी पूरा नहीं किया। लोग पूछ रहे हैं आज इनसे, 154 वायदे में से क्या किया।